एक लड़की ने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हारे 20 से ज्यादा बॉयफ्रेंड होंगे तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। उसके 20 बॉयफ्रेंड रह चुके थे तो उसने डिसाइड किया कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाकर उनके साथ फिर से प्यार करने की वो कोशिश करेगी। अब क्या वो अपना प्यार पा पाएगी या फिर लाइफ ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया था, ये हम आज के हमारी मूवी व्हाट्स योर नंबर, ये एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ उठता देख सकते हैं। उसके पहले उठकर खुद का थोड़ा सा मेकअप कर लेती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड को लगे कि जब भी उठती है तो हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बॉयफ्रेंड जब उठा तो उसने यही बात कही, तो जब भी उठती हो तो बहुत ही फ्रेश लगती हो। इस चीज से हमें पता चलता है कि इस रिलेशनशिप में वो बहुत ही इन्वेस्टेड थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया पर वो वहां से जा रहा था। उसे पास बिठाती है और कहती कि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है तो मैं वहां पर आना चाहिए। बॉयफ्रेंड ने कहा कि हमारी रिलेशनशिप में ऐसा बहुत ही फास्ट हो रहा है। एली को इस बात से बहुत बुरा लगा और उसे वो ब्रेकअप कर लेती है। एली ने अपने नेबर कोलिन को नोटिस किया जो हमेशा किसी और लड़की के साथ होता था। उस जैसे ही लड़कों को बहुत ही ज्यादा हेट करती थी। अपने ब्रेकअप के बारे में अपनी सिस्टर कोलिन के साथ वो बात करती है। कोलिन ने कहा कि मुझे पता था कि उसके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। एली कहती कि मुझे कितनी रिलेशनशिप को ट्राई करना पड़ेगा और उसके बाद ऐसा लड़का मुझे मिलेगा जिससे मैं शादी कर पाऊंगी। कोलिन कहती कि प्रोसेस तो बहुत ही पेनफुल होती है। कोलिन आजकल खुश थी क्योंकि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अब उसकी शादी होने वाली थी। एली अपने काम पर आई, वहां पर उसका बॉस था जिसका नाम था रॉजर। वो एली को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे फायर कर देता है। उसे समझा रहा था कि वैसे भी तुम्हें मार्केटिंग का जॉब अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम पर एक एहसान नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन से घर आते वक्त एली ने एक मैगजीन पढ़ी, उसमें लिखा था कि शादी करने से पहले एक एवरेज अमेरिकन लड़की 10 रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करती है। एली इस बात से सरप्राइज थी क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा उसके रिलेशनशिप रह चुके हैं। ये बात उसे खाई जा रही थी और अपने जो भी एक्स बॉयफ्रेंड थे इन सब के नाम लिखने लग जाती है। अगले दिन एली के सिस्टर डेजी की एंगेजमेंट पार्टी थी, वहां पर हो गए। एली की मदर बहुत ही जजमेंटल थी और एली जिस तरीके से रहती थी उसे पसंद नहीं आता था। आज मदर ने ड्रेस बाय किया था पर फिर भी उसे पसंद नहीं आया। डेजी जरा स्ट्रेस थी क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। मदर एंगेजमेंट पार्टी भी थी पर फादर को बुला नहीं पाए। अब मैरिज का क्या करना पड़ेगा, ये उसे एक क्वेश्चन था। एली अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम लिख रही थी। उसका एक बॉयफ्रेंड डेजी से अपसेस था तो डेजी से पूछकर उसका नाम वो लिख लेती है। उसने सब बॉयफ्रेंड्स को काउंट किया तो 19 थे। वो टेंशन में ड्रंक हो जाती है। वो नीचे आई तो उसकी मदर ने डेजी और एडी के बारे में उसे कुछ बोलने के लिए कहा। एली कहती कि डेजी और एडी ये दोनों हाई स्कूल में मिले। उस वक्त एडी बहुत ही घटिया आदमी था, उसने डेजी पर चीट भी किया था। इतने सब साल गुजर गए और इसके बाद एडी पूरी तरीके से बदल गया। वो डेजी और एडी के लिए बहुत खुश थे। वो ड्रिंक लेने के लिए फिर से बार पर गए। इस पार्टी में उसका बॉस रॉजर भी आया हुआ था। रॉजर ने उसे ड्रिंक ऑफर किया। एली को पता नहीं था कि रॉजर एक्चुअल में उसे लाइक करता था। इस बात से वो सरप्राइज थे। उसे इग्नोर कर अपने फ्रेंड्स के पास आती है। उसने उनसे कहा कि हम एक गेम खेलते हैं, हम कितने पार्टनर के साथ रह चुके हैं इसका नंबर एक चीट पर लिख देंगे। इन्होंने सब ने अपने पार्टनर्स के बारे में बताया तो 10 से ऊपर कोई भी नहीं था। जब एली की बारी आती है तो अपनी चीट उठाकर उसने फाड़ दी। जब उसकी फ्रेंड्स ने सब देखा तो इसमें 19 नंबर लिखा हुआ था। वो अपनी वरीज उन्हें बताती है और आर्टिकल दिखाती है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि अगर आपके 20 से ज्यादा बॉयफ्रेंड होंगे तो कभी भी अच्छी शादी आपकी नहीं होगी। एली को बुरा लगता है और उसने डिसाइड कर लिया अब उसका जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड होगा इसी से वो शादी करेगी। इससे वो एक्साइटेड होके और फिर से ड्रिंक करने लग जाती है। सुबह वो डायरेक्टली रॉजर के साथ उठी। फिर से अपने कमिटमेंट को उसने सीरियसली लिया नहीं था। उसने अपनी सिस्टर को यह सब बता दिया। सिस्टर कहती थी कि शायद रॉजर तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है। एली इसके बारे में सोच रही थी पर रॉजर के हाइजीन हैबिट्स बहुत ही गंदे थे, इस वजह से वो कहती है कि वो मेरा हस्बैंड कभी भी बन नहीं सकता। वो जल्द से जल्द अब उसे अपने अपार्टमेंट से निकालना चाहती थी। रॉजर यही पर ब्रेकफास्ट करना चाहता था। एली ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की पर वो फेल हो रही थी। तभी उसके डोर पर उसका नेबर जिसका नाम है कोलिन वो आ जाता है। कोलिन ने कहा कि मेरे अपार्टमेंट की कीज मुझसे गुम हो गए, इसी वजह से कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। एली रॉजर से पीछा छुड़वाना चाहती थी और कहती कि मैं कोलिन की हेल्प कर रही हूँ, अब तुम्हें जाना चाहिए। रॉजर कहता है कि हम दोनों रात में मिल सकते हैं और उसने कहा कि आज रात हमारी टेनेंट्स की मीटिंग है। उसके साथ डेट पर जाने के लिए एली बच गई। रॉजर वहां से चला गया तो एली नोटिस करती है कि कोलिन के अपार्टमेंट से एक लड़की बाहर निकली। उसे पूछते कि क्या सिर्फ उस लड़के से इनकाउंटर टालने के लिए तुम यहाँ पर आए। कोलिन कहता है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहता तो उसे बुरा लगता, इसी वजह से वो वहां से भाग कर आया था। नेक्स्ट दिन में एली डेजी के साथ केक देखने के लिए आई हुई थी। वहां पर अपना एक्स बॉयफ्रेंड उसे दिखता है, इसका नाम था डोनाल्ड। और जब एली उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो दोनों बहुत ही ज्यादा पची हो गए थे। एली को लगता है कि उसे और एक चांस दे सकती है। उसे जाकर बात करने लग गए
तभी वहां पर डोनाल्ड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड आ गई। वो दोनों अब शादी करने वाले थे। एली को बुरा लगता है और वो भी कहती कि मैं एक साइंटिस्ट के साथ शादी कर रही हूँ। एली डेजी से कहती कि डोनाल्ड जब मेरे साथ था तो बहुत ही अलग था। डेजी ने उसे समझाया कि लोग बाद में चेंज हो जाते हैं। एली को इस बात से आइडिया आता है, उसके 20 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उन्हें फिर से चेक कर सकती है। अगर वो सही निकले तो उनके साथ एक्चुअल में वो शादी कर सकती है। इससे उसे 20 नंबर के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इंटरनेट पर उन्हें ढूंढने लग गए पर उसे कोई भी मिल नहीं पाता। उसे याद आया कि कोलिन ने उसे बताया था कि वो लोगों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, तो जाकर उसे बात कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड की लिस्ट उसे दिखाई और कहा कि क्या इन्हें ढूंढने के लिए तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। कोलिन ने कहा कि इन सब लोगों ने तुमसे ब्रेकअप किया क्योंकि हमेशा जो चीज वर्क नहीं करने वाली उसमें तुम बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालते हो। एली ने देखा कि कोलिन एक लड़की के साथ फंसा हुआ है तो उसे आइडिया आता है और उसके घर में वो घुस जाती है। कहती कि हमारी मदर नीचे गिर गई है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उसे निकालकर अपने घर में लेकर आई। उसे कहती कि हम एक डील करते हैं, जो भी लड़की तुम्हारे घर में होगी उसे निकालने का काम मेरा और मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स को ढूंढने का काम तुम करोगे। ये डील कोलिन के लिए अच्छी थी और इसके लिए वो मान जाता है। इस लिस्ट में जेक नाम का बॉयफ्रेंड ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी थी क्योंकि एक मिलीनियर था। कोलिन ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली पर अब वो किसी और कंट्री में है। बात करते करते कोलिन कहता है कि तुम इतने सारे लोगों को ढूंढ रही हो, इससे अच्छा तो कोई एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो, मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। एली कहती कि तुम जैसे बहुत सारे लड़कों को मैंने डेट किया है, तुम लोग रिलेशनशिप के बारे में कभी भी सीरियस नहीं होते। नेक्स्ट सीन में एली डेजी की वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आई हुई थी। वहां पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सर्चिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। उसे एक डेव नाम के बॉयफ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसकी फ्रेंड को याद आता है कि डेव तो एक मैजिशियन था। डेव से मिलने के लिए रात में एली कोलिन को भी लेकर आती है। उसने दूर से उसे देखा तो अब भी वो बार टेंडिंग कर रहा था और लड़कियों को पटाने के लिए उनके सामने वो मैजिक करता था। ये बात एली को सही नहीं लगी। कोलिन पूछता है कि हुआ क्या। एली कहती कि डेव अपने लाइफ में थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, वो पहले भी रात रात तक बार टेंडिंग करता था और दोपहर में सोया करता था। कोलिन उसे पूछता है कि नंबर तुम्हारे लिए इतना मैटर क्यों करता है। एली कहती है कि हर एक लड़के ने उसकी ड्रीम गर्ल इमेजिन की होती है, अगर मेरी इतनी सारी रिलेशनशिप के बारे में उसे पता चलेगा तो उसे मैं सही नहीं लगूंगी। कोलिन कहता है कि ऐसी कोई भी परफेक्ट लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, अगर होती तो मैंने अब तक उसे ढूंढ लिया होता। वो रात में लेट घर पर आया और अगले दिन जब एली उठी तो कोलिन उसके ही घर में था। एली पूछती कि इतने लेट रात में भी अपने साथ घर पर ले जाने के लिए तुम्हें लड़की कैसे मिल गई, तुम हमेशा मॉर्निंग में इतना टाइम मेरे घर पर ही पड़े रहते हो, तो एक काम जरा अच्छी चीजों में लगाओ। कोलिन कहता है कि मैंने तुम्हारा फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड मिल सकते हैं। उन्होंने चेक किया तो एली के एक एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी। उसके वो फोटो देखते हैं पर एक्स बॉयफ्रेंड की अब शादी होकर उसके बच्चे भी हो गए थे। कोलिन से कॉफी बनाते बनाते एली का मशीन टूट जाता है। वो कोलिन से कहती है कि तुम्हें मुझे इसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। कोलिन उसे कहता है कि मेरे पास चाइनीज है, क्या मैं तुम्हें डिनर ट्रीट कर सकता हूँ। एली फिर उसके साथ डिनर करने के लिए आ गई। एली के काम के लिए कोलिन बहुत सारी रिसर्च कर रहा था। उन्हें पता चला कि एली का एक एक्स बॉयफ्रेंड का अभी अभी डिवोर्स हुआ है, वो अपना घर सेल करने वाला था तो वहीं पर उसे मिलने के लिए वो जा सकती है। वो एक ओपन से घर में घुस गए तो एक घर डोनाल्ड का था। डोनाल्ड को लगता है कि वो उसका पीछा कर रही है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहकर बाहर निकल जाती है। बाहर फिर उसका दूसरा बॉयफ्रेंड आ गया। ये बॉयफ्रेंड ब्रिटिश था, वो चाहता था कि शायद कोई ब्रिटिश लड़की उसे मिल जाए, तो इसी वजह से एली ने ब्रिटिश होने का प्रिटेंड किया था। उसे मिलकर उसके सामने ब्रिटिश एक्सेंट में वो बात कर दिया। कोलिन ने देखकर उस पर बहुत हंसता है। वो दोनों इसके बाद डेट पर गए। रात में कोलिन टेरेस पर हैंग आउट कर रहा था तो एली उसके पास आ गई। ये और भी बॉयफ्रेंड्स पर डिस्कस करते हैं। वो अलग अलग लोकेशन पर थे। सिटी में गैरी नाम का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसे वो मिलने जाने वाले थे। जो भी हेल्प कोलिन एली को कर रहा था इसके लिए उसे सिंसियरली थैंक यू कहती है। वो दोनों हग करते हैं पर कोलिन फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया तो एली उसे जाने के लिए कहती है। अगले दिन वो गैरी का पपेट शो देखने के लिए आए। एक्चुअल में जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे तो गैरी डेजी से अपसेस था। डेजी घर पर नहीं थी और इसी वजह से एली और गैरी में रिलेशनशिप हुई थी। अब वो प्रेजेंट में फिर से एक दूसरे से बात करते हैं। वो अब भी डेजी के बारे में एली से पूछ रहा था। एली को इससे बुरा लगा और वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में डेजी ने एली को लंच के लिए बुलाया हुआ था क्योंकि अपनी मदर से वो अकेले में बात नहीं कर सकती थी। मदर एली को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है पर डेजी ने कहा कि उसका ब्रेकअप हो गया है। एली को इस बात से बुरा लगा और वो डायरेक्टली बता देती है कि डेजी वेडिंग में फादर को भी बुलाना चाहती है। मदर इस बात से अपसेट हो गई और वहां से वो चली गई। कोलिन को और भी एक बॉयफ्रेंड के बारे में जिसका नाम था टॉम उसके बारे में पता चला, वो एक पॉलिटिशियन बनने वाला था। एक दिन डेजी सुबह एली से मिलने के लिए आई। डेजी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। फिर से कोलिन के यहाँ पर जो लड़की थी उसे भगाने के लिए एली उसे हेल्प करती है। एली कोलिन से कहती है तुम हमेशा लड़कियों को अपने घर पर क्यों लेकर आते हो, तुम उनके घर पर जा सकते हो। कोलिन कहता है कि एक बार मैंने इसे ट्राई किया था,
और उस लड़की का सिंड्रेला के ड्रेस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फोटो था। उसका दिल तोड़ने के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा था। अब जब हमेशा मैं उन्हें अपने घर पर लेकर आता तो मुझे उतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। इसके बाद एली टॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जिस लाइब्रेरी में टॉम था वहां पर वो चली जाती है, उसी के सामने की टेबल में बैठती है। दूर से टॉम के आईसाइट में नहीं थी। उसने लोगों से कहा कि इस टेबल को हम जरा दूर रखते हैं। नीचे रखते वक्त बहुत बड़ा आवाज हुआ और टॉम दूर से एली को पहचान लेता है। आज रात एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है तो टॉम एली को डेट पर पूछ लेता है। उसने उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस सेंड किया। ये सब कुछ एली कोलिन को बता रही थी। रात में कोलिन एली को मिस करता है। उसने उसे कॉल लगाया पर वो उठाती नहीं। पार्टी में एली और टॉम ने बहुत मजे किए, अलग अलग लोगों से मिले और बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशंस हुए। उससे पूछ लेता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। एली कहती कि ये सब तो बहुत ही फास्ट हो रहा है, हमें पहले किस करना चाहिए। टॉम कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मुझे लड़के पसंद है, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, इस वजह से मेरे पास एक परफेक्ट वाइफ होनी चाहिए तो तुम उसके लिए परफेक्ट रहोगी। एली को यह सब बात पता नहीं थी, उसे बुरा लगा और वहां से चली जाती है। वो जब घर पर आए तो कोलिन उसी के अपार्टमेंट में था। उसने एली के स्कल्पचर्स को स्पेशल लाइटिंग दी थी। कहती कि इसमें सब बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। एली कहती कि अगर टॉम को मैं पसंद भी आती फिर भी हम एज अ हस्बैंड वाइफ जी नहीं सकते थे। एली का मूड अच्छा करने के लिए कॉलिन गिटार प्ले करता है, उसे एक बड़े से स्टेडियम में लेकर आया। उसके पास इसकी की थी क्योंकि वो पहले यहाँ पर काम करता था। वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, जो हारेगा उसे अपने एक एक कपड़े निकालने पड़ेंगे। ऐसे इनका गेम आगे बढ़ रहा था पर गार्ड इन्हें देख लेता है तो जल्दी से वहां से वो भाग जाते हैं। कोलिन को हमेशा जो भी अच्छा लगता है वो वही चीज करता है। एली ने उसे पूछा कि तुम एक कर कैसे लेते हो। कोलिन कहता है कि जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे वही चीज हमेशा करनी चाहिए। पास में लेक था तो कोलिन कहता है कि अभी क्या अभी इसमें हमें जंप करना चाहिए। एली भी इस बार ये बात मान लेती है और ये दोनों जम करते हैं। आज की नाइट इनके लिए बहुत ही अमेजिंग थी। एली ने कोलिन से कहा कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहिए। कोलिन उसके पास आ गया और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। एली कहती कि मैं फिर से मिस्टेक नहीं करना चाहती। कोलिन ये बात समझ सकता था और इसी वजह से दोनों इंटीमेट नहीं होते। सुबह उठे तो कोलिन कहता है कि आज का दिन हम दोनों बेड में स्पेंड कर सकते हैं। एली को अचानक से याद आया कि उसे डेजी के पास जाना है। डेजी पूछती कि तुम वेडिंग में किसके साथ आ रही हो। एली ने कहा कि शायद मैं कोलिन को लेकर आ सकती हूँ। एली की सारी फ्रेंड्स और डेजी ने कहा कि कोलिन जैसे बहुत सारे लड़कों को तुमने डेट किया है, वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। एली को भी ये बात सही लगती है। रात में वो घर पर आई और उसके एक्स मिलियनेयर बॉयफ्रेंड का नंबर उसे मिल गया था। वो अभी अभी इस टाउन में वापस आया था। वो इसी के बारे में कोलिन से पूछती है पर उसे झूठ कहता है कि अब भी वो आउट ऑफ द कंट्री है। एली ने गुस्से में कोलिन से कहा कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, तुम कभी भी सीरियस नहीं होते। कोलिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया है उतना कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं किया। एली उसकी बात नहीं मान सकती थी। वो अपने मिलीनियर बॉयफ्रेंड को एक मैसेज छोड़ दिया। नेक्स्ट दिन में डेजी ने एली को फिर से लंच के लिए बुलाया। आज उनके फादर के साथ वो लंच करते हैं और फादर ने किसी और के साथ शादी कर ली थी। वेडिंग में मदर और फादर दोनों होंगे और उनमें झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से डेजी बहुत ही अपसेट थी। एली को उसने सपोर्ट के लिए बुलाया था पर एली को उसके एक्स मिलीनियर बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया तो उसके पास वो चली गई। उसे वो बहुत ही परफेक्ट लगता है, वो हमेशा चैरिटी करता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता है। जेक ने एली को उसके काम के बारे में पूछा। एली कहती कि आजकल मैं जरा जॉब ढूंढ रही हूँ, अपने पैशन पर भी जरा काम कर रही हूँ। जेक इसमें इंटरेस्टेड था तो एली अपने घर पर उसे दिखाने के लिए लेकर आई। वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एली बहुत ही एक्साइटेड थी और फिर से डेजी से मिलने के लिए आई। डेजी आज बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि इसका वेडिंग ड्रेस अब उसे सूट नहीं कर रहा। एली ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसी टाइप का ड्रेस तुम्हें पहनना चाहिए। वो दोनों फिर मदर को फादर के बारे में बताने के लिए गए। मदर एली से कहती कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अब जेक को डेट कर रही हो। इसे मदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसकी खुशी देखकर एली और डेजी फादर के बारे में उसे नहीं बताते। अब डायरेक्टली वेडिंग का डे आ चुका था। एली बाहर निकलती है तभी कोलिन भी बाहर निकला। उसे बात करना चाहती थी पर कोलिन कहता है कि इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। वेडिंग में डेजी और एडी ने कहा कि किस तरीके से जब वो एक साथ होते हैं तो बहुत ही परफेक्ट महसूस करते हैं। एली के फादर उसके साथ डांस कर रहे थे। फादर एली से कहते कि कभी कभी तुम्हारी मदर तुम्हें हेट करती है क्योंकि वो मुझे हेट करती है। तुम हमेशा अपनी लाइफ में अमेजिंग सी डिसीजन लोगी, अपने आप पर कभी भी डाउट मत करना। इसके बाद जेक आकर एली से बात करता है, कहता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो 6 मंथ्स तक अलग अलग कंट्री में घूमने वाला था। वो एली को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उसे कहता है कि वैसे भी तुम्हें जॉब नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। वो एली के पैशन का भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। एली को ये बात रियलाइज होती है और उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जेक ये सब सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है।
एली ने फिर अपनी मदर को कन्फ्रंट किया। उसने कहा कि तुम हमेशा मेरे लिए एक आइडियल लड़का ढूंढती रहती हो, पर मैं वैसी हुई नहीं। वो मदर को कहती कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करती पर फिर भी मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती हो और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। ये सब सुनकर डेजी को भी करेज आया। उसने मदर को कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी वजह से उसका वेडिंग ड्रेस उसे आ नहीं रहा था। एली अब फिर से कोलिन को ढूंढना चाहती थी। इवेंट प्लानर से उसने लिस्ट ली और सिटी में जहाँ पर भी इवेंट है हर एक इवेंट पर जाकर वो कोलिन को ढूंढने वाली थी। वो बहुत सारी जगह पर जाती है और फाइनली रात में एक इवेंट में उसने कोलिन को देख लिया। उसे सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आने दे रही थे तो पीछे से वो एंटर हो जाती है। कोलिन का शो उसने बीच में ही रोक दिया और कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसे कहती कि मैंने बहुत बड़ी स्पीच रेडी की थी पर इसकी चीज ये थी कि मैं सॉरी हूँ, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत ही खुश होती हूँ। कोलिन कहता है कि मुझे भी डर लग रहा था, जेक के साथ मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता था। एली कहती कि तुम जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, तुम्हें किसी के साथ भी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर दे और एक साथ बहुत खुश थे। मूवी के एंडिंग में एली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मैसेज आता है। उसने उसे कहा कि हम दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कभी इंटीमेट हुए ही नहीं थे। एली इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि वो नंबर 20 के नीचे थी और वो बहुत ही ज्यादा होपफुल है कि कोलिन के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी टिकेगी। इसी मोमेंट पर ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।